नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर में अवैध रूप से शराब का परिवहन करने वाले दो आरोपियों को आबकारी विभाग ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों से 25 पेटी देशी विदेशी शराब जब्त की है। ग्रामीण इलाकों में अवैध शराब की कर रहे थे तस्करी। दरअसल अवैध शराब परिवहन को लेकर आबकारी विभाग लगातार अवैध रूप से शराब का विक्रय करने वालों पर नकेल कसता नजर आ रहा है। इस दौरान मुखबिर की सूचना पर सांवेर स्थित दो अलग अलग छापेमार कार्रवाई कर आबकारी विभाग ने 25 देशी और विदेशी शराब की पेटियां बरामद की हैं, जहां शराब तस्कर आरोपी आकाश गोवर्धन और कमल राम सिंह गिरफ्तार किए गए हैं, जो अवैध शराब की तस्करी का काम करते थे। पकड़े गए आरोपियों का पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है, शराब कहां से लाई गई थी और कहां कहां इस शराब को बेचा जाना था। आबकारी विभाग द्वारा निरंतर अभी कार्रवाई की जा रही है। इसमें हमारे कलेक्टर महोदय टी राजालिया के आदेश से, हमारे मनीष करे निर्देशन में, तो हमारे सहायक आयुक्त जिला आबकारी अधिकारी अनिल कुमार माथुर उड़नदस्ता प्रभारी हैं। आज उनकी टीम ने सवेरे सांवेर क्षेत्र में दो जगह दबिश दी थी, घरों में दी है। तो इसलिए लाने ले जाने प्रबंध का नहीं है कि घरों पे एकत्रित होकर उनके यहाँ से मिली है। तो इस तारतम्य में निरंतर कार्रवाई की जा रही है। तो आज दो घरों से सांवेर में पकड़ी है। तो आकाश, उसमें एक आरोपी है आकाश पिता गोवर्धन निवासी 22 वर्ष जाति राजपूत निवासी पंचोल सांवेर थाना सांवेर में। इनके यहाँ से 4 पेटी प्लेन की मदरा पाई गई और एक दूसरे आरोपी के घर पर दबिश दिया, जो कि कमल राम सिंह उम्र 42 वर्ष जाति राज निवासी पंचोल, ये भी उसी गांव का था, है ना। इसके यहाँ से भारी मात्रा में विदेशी मदरा में कुछ बियर भी है, बिस्की भी है और कुछ प्लेन भी शराब है ना। तो जो अधिक मात्रा में थी, तो अभी हाल दो आरोपी जो हमने पकड़े हैं, इनके खिलाफ आबकारी अनुसार कार्रवाई की जा रही है। तो जिस पर अधिक मात्रा में उस पर 34-2 का प्रकरण कायम होने होगा और जो है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और नहीं, ये घर पर रखते हैं, बेचने के लिए रखते हैं। अभी पकड़ा है तो पूछताछ ज़्यादा हुई नहीं है उनसे। अभी पूछताछ की जाएगी, न्यायालयीन कार्रवाई भी की जाएगी। नहीं, फिर पूरी विवेचना की जाएगी शराब कहाँ से लाई। लेकिन अभी जो प्रथम दृष्टा देखने में आ रहा है, सभी कंपनी की शराब है, सब पे लेबल लगे हुए हैं, बैच नंबर है, लेकिन उनकी भी पुष्टि की जाएगी, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है कि कई चीज़ें उसमें भी गलत हो जाती है। तो इस बात की विवेचना में पुष्टि की जाएगी कि अवैध शराब तो नहीं बन रही कहीं। सांवेर क्षेत्र में पुनः जाके जाँच की जाएगी कि विवेचना में कि कहीं इनके द्वारा कहाँ से लाई जा रही है और कहाँ निर्माण किया जा रहा है। मैं राजीव मुद्गल, सहायक जिला आबकारी अधिकारी नियंत्रक प्रभारी इंदौर। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल।